नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। साइडिंग ढोढ़ा टोली स्थित देवालय मंदिर का दूसरा वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाई गई थी। मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन हवन एवं रुद्राभिषेक किया गया। भंडारे का आयोजन एवं देर रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। लोहर दगा कोट से आए जागरण मंडली ने एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन किया, जिससे पूरे क्षेत्र भक्तिमय हो गया। होने के बाद रुद्राभिषेक हुआ। रुद्राभिषेक की पूर्णावृति होने के बाद प्रसाद का वितरण एवं भंडारा का आयोजन किया गया। उसके बाद संध्या 6 बजे पुनः आरती हुई और 7 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक मंडल जी के नेतृत्व में उनकी मंडली के साथ उनके मंडली के द्वारा मंदिर में जागरण का कार्यक्रम किया गया। तो कामना करते हैं कि यहाँ के लोग जिस तरह बीते साल से उमंग और हौसले के साथ भोले बाबा का मनोरंजन मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से मनाते रहें। साथ साथ विश्वास करते हैं कि जिस तरह से हमारे ग्रामवासी ने जोर शोर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और पुण्य का भागी बने, तरह तरह के पूजा, तरह तरह की गान बजान लोगों ने मिलजुल कर किए और एकजुटता का परिचय दिए। हम लोग यही भोले बाबा से शुभ मनोकामना करते हैं कि सही सलामत हम लोग रहें और इसी तरह हम लोग भक्ति भाव में आगे बढ़ते रहें। यह मंदिर जागृत हो चुका है और जागरण का कार्यक्रम होते रहता है। एक से एक हमारे व्यास और कीर्तन मंडली का आगमन हुआ है और यह जब से मंदिर बना है चैता फगुआ जैसे अनेक भजन कीर्तन का आयोजन होता रहता है। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि यह हमारा मंदिर हिंदू संगठन के लिए केंद्र बिंदु बने। देवालय का एक खासियत यह है कि हम सभी देवी देवताओं के पूजा करने के लिए एक जगह हम सभी देवता दर्शन करते हैं। गणेश चतुर्दशी मनाने के लिए यह केंद्र बिंदु है, शिवरात्रि मनाने के लिए केंद्र बिंदु है, सरस्वती माँ का मूर्ति होने के कारण सरस्वती पूजा होते रहता है, लक्ष्मी माँ का मूर्ति होने के कारण लक्ष्मी पूजा का आयोजन होते रहता है, बजरंगबली का मूर्ति होने के कारण यहाँ रामनवमी मनाते हैं, दुर्गा जी का प्रतिमा होने के कारण हम दुर्गा अष्टमी नवरात्रा मनाते हैं, देवी पूजन का कार्यक्रम होते रहता है पूरे सावन में। तो इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं हम सभी, और कई हिंदू संगठन के लोग इस केंद्र पर आकर के अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और पूर्ण करने का प्रयास करते हैं।